ये वाला जो क्लाइंट मैं कहता हूँ ना, वो एक लक पे आता है आपके पास बहुत दफ़ा। आपको जब आइडिया नहीं होता कि एक क्लाइंट आपको कैसा मिलेगा, उसकी परसेप्शन क्या होगी डिज़ाइन के बारे में, बट दिस लकीली दिस क्लाइंट हैड सम ग्रेट आइडियाज एंड दे वांटेड टू कम टू मी, और वो डिस्कस करना चाह रहे थे। और इत्तेफाक से पता ही चला कि जब वो ढूंढते हुए आए आर्किटेक्ट को, तो उनको पता चला कि ये वही आर्किटेक्ट है जिसके बच्चे आपस में ऑलरेडी दोस्त थे। सो यंगर कपल, इट्स ऑलवेज ग्रेट बिकॉज इनकी जो कंसेप्चुलाइजेशन होती है डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक डिफरेंट तरह से होती है, बिकॉज दे हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, दे नो व्हाट दे वांट, दे विलिंग टू लिसन टू द आर्किटेक्ट, बिकॉज जब आर्किटेक्ट को आप हायर कर रहे हैं और आप समझते हैं कि वो आपकी बात समझ पाएगा। तो ये मौका मुझे मिला इनके साथ काम करने का, उस वक्त जब मैंने इनके साथ बैठ के एक जनरल रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की। इनका प्लॉट जो था, बीइंग अ फाइव कनाल लैंड पार्सल, इसको लीनियरली बहुत लंबा था, इसलिए इसको सेगमेंट करना बहुत ज़रूरी था। फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड टू कंसीव इट, आई हैड नंबर ऑफ डिस्कशन विद सोहेल साहब ऑन दिस, कि जी लंबे प्लॉट को हम कैसे सेगमेंट कर सकते हैं, उनको उसके कोर्टयार्ड को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो डे वन से मेरे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर थी, वो ये था कि मैंने क्लाइंट को एक कोर्टयार्ड से ही दाखिल कराना है। अगर आप जनरली इस लाइन पे या इस साइज़ के प्लॉट्स को देखते हैं, तो उसमें इशू ये होता है कि वो आपको सामने लॉन मिलता है, लॉन ज़रूर है, लेकिन आप जब घर में दाखिल हो तो एक प्राइवेसी के एलिमेंट आपको पहले टाइम से नजर आना चाहिए, कि आप जब दाखिल हो आपको एक थोड़ा सा एक सिक्योरिटी फील हो, आई एम इनसाइड माय ओन स्पेस, बिकॉज फ्रंट पे हमें 100 फुट छोड़ना था, तो दे हैज, इसका मतलब कि ड्राइववे लंबा होता, गाड़ी पार्क होने के बाद जब आप वॉक इन करके अपने घर में आएँ, मेन एंट्रेंस पे आएँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो उसके आगे कितनी चीज़ें हैं और आपके लिए घर कैसे खुल रहा है। अगर आपने पहले से ही घर को दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि वो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है वो ख़त्म हो गया। तो इस प्रोजेक्ट पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि देर शुड बी एन एलिमेंट सरप्राइज, सो व्हेन यू एंटर द हाउस, पहली चीज़ तो आपको जो चीज़ बाहर से नज़र आए कि यार ओके व्हाट्स इनसाइड इट। तो मैंने जो पहली चीज़ डिसाइड की, आई टुक अ लार्ज ब्लॉक, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एंड आई सब डिवाइड द रेक्टेंगुलर ब्लॉक इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स। वो मल्टीपल सेगमेंट्स कहीं पे कोर्टयार्ड बन जाते थे, कहीं पे वो कोई प्राइवेट स्टडी बन जाते थे, कहीं पे वो डबल हाइट एंट्री फॉयर बन जाते थे, बट द रिपीटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लान वॉज मेंट टू बी अ वेरी ब्रेकेबल, वेरी ओपन प्लान, लॉट ऑफ सेगमेंटेशन थ्रू कोर्टयार्ड्स। सो यू एंटर थ्रू कोर्टयार्ड, देन यू गो इनटू अ सेकंड लेवल कोर्टयार्ड, टू अ थर्ड लेवल कोर्टयार्ड, एंड यही चीज़ वर्टिकली भी मैंने स्टडी की, और उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने वो सिंप्लीफाई किया। सो आई थिंक इट वॉज एन एक्सरसाइज इन द सेंस दैट इट मेड मी अंडरस्टैंड कि अगर साउथ से लाइट आ रही है ज़्यादा, तो उसको कैसे, वहाँ पे विंडोज़ हमने कैसे छोटी रखनी है, जहाँ पर व्यूज़ बेहतर हैं वहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा और खोला, बिकॉज एवरी रूम हैड टू हैव अ व्यू। वो ऑटोमेटिकली आपको, बिकॉज पीछे 30 फुट था और लेफ्ट और राइट पे 15-15 फुट थे, सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि जब प्लॉट को सब डिवाइड हम करें या लैंड पार्सल को सब डिवाइड करें, तो हर कमरा, हर प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, फॉर्मल एरियाज किसी न किसी ग्रीन स्पेस को देखें। एक बड़ी इस पर इंटरेस्टिंग हमारी कॉन्वर्सेशन होती रहती है, बिकॉज सोहेल साहब ने इनिशियली फेयरफेस कंक्रीट से शुरू किया, फिर वो उनका ख्याल था कि हम कंक्रीट को पे ब्रिक भी लगाते हैं, ब्रिक को फिर पेंट कर देते थे, तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट रियली यूज़ द रॉ ब्रिक एज अ मेजर मटेरियल, और उसी लिए उनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स पिछले 50 साल में जिन्होंने की, उसमें ब्रिक का इस्तेमाल काफ़ी था। तो जब मैंने उनको ज्वाइन किया आपसे 20 साल पहले, तो ये एक बड़ा कंटिन्यूस डायलॉग था ऑफिस में कि ब्रिक की को इस्तेमाल करना या ब्रिक की इस्तेमाल इन द ओवरऑल प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई रियलाइज इट्स सच अ फ्लूइड मटेरियल, और मैं उससे बाहर निकल नहीं पा रहा था। मैंने अपने आप को उसके साथ एक सेकंड एलिमेंट या सेकंड थर्ड मटेरियल साथ उसके साथ खेलने की कोशिश की, स्टोन के साथ हम आए, बट ब्रिक फॉर सम ऑड रीज़न, बिकॉज वो शायद मेरे मैं बड़े होते हुए मैंने उसको देखा था, उसकी साइट पर मैं उनके साथ जाता था, एंड आई रियलाइज इट्स सच एन इंटरेस्टिंग मटेरियल कि वो वक्त के साथ जो उसका कलर बदलता है, वक्त के साथ वो जिस तरह सीज़न करती है, उसका वेदरिंग है, वो इतनी इंटरेस्टिंग थी कि फिर मैंने उसको उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सो इफ़ यू सी द वर्क दैट्स कम आउट ऑफ आवर ऑफिस इन द लास्ट 10-15 ईयर्स, वी हैव बीन एबल टू रियली एक्सपेरिमेंट विद ब्रिक लिटिल मोर। कहीं पे कोई क्लाइंट है जो हमें कहता है जी घर या प्रोजेक्ट पूरा, बिल्डिंग्स हमने पूरी ब्रिक में की हैं, वो उनकी अपनी एक वो थी, लेकिन हमने उस ब्रिक को बहुत सिंप्लीफाई किया। ब्रिक जाली की बहुत सारे एलिमेंट्स हमने स्टडी किए, बिकॉज ब्रिक जाली का सबसे बड़ा रीज़न हमारा इस्तेमाल करने का ये था, और स्पेसिफिकली मेरा ये था कि जो हवा का जो एक इंटरेस्टिंग सी मूवमेंट थी हवा की, जो एक क्रॉस वेंटिलेशन, एक नेचुरल लाइट लाने का एक तरीका था थ्रू दिस ब्रिक, वो हर क्लाइंट को समझ आना शुरू हो गया था, बिकॉज हम अभी तक इस क्राइसिस में रहते हैं कि जी
वीआरपी लगाना है, वीआरएफ लगाना है, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग करनी है, और हम कहते हैं नहीं जी नहीं करनी, हम आपको ऐसा प्रोजेक्ट कर देंगे जिसमें आपको मिनिमल ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हम इंसुलेशन को देख रहे थे. सो ब्रिक बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसुलेटिंग मटीरियल. तो जब मुझे मौका मिलता था, जब मैं किसी सेकंड मटेरियल में जाता था ब्रिक से हट के, तो मैं फिर वापस उसी पे आ जाता था. वो इसका आई थिंक रीज़न ये था कि वो इज़ कम्प्लीटली इन माई हेड, इन माई माइंड कंटिन्यूसली, एंड आई कुडंट गेट आउट ऑफ इट. बट ऑफकोर्स आई हैव वर्कड अलॉन्ग साइड अदर मटीरियल्स एंड आई हैव ट्राई टू ब्लेंड देम विद ब्रिक, एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल इन सम वेज. कहीं पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, बट सैडली मैं इससे निकल नहीं पा रहा. ब्रिक का एक स्पेसिफिक साइज़ था, बट ब्रिक में बहुत सारे और साइज़ भी हैं. जिस तरह आप गुड का इस्तेमाल करते हैं उसमें 1.25 इंच भी आता है, 1.5 इंच भी आता है. उसके अलावा बड़ी बेहतरीन किस्म के की सिल्स आनी शुरू हो गई हैं ब्रिक में. तो पहले शायद हम जब इवन एक पैरापेट की डिटेल करते थे तो उसके ऊपर हम फुल ब्रिक को यूज़ करके ऊपर हम प्लास्टर की हमने एक डिटेल बनाई थी, वो हम यूज़ करते थे. पिछले कुछ सालों में हमने उसको भी, ताकि वो मटेरियल फ्रेंडली करने के लिए या लॉन्गर लास्टिंग के लिए, हमने सिल यूज़ करनी शुरू कर दी, या हमने ब्रिक की डिटेल को बदला, हमने गुटके के साथ उसको डिटेल करना शुरू किया. लेकिन जहाँ तक सवाल है अपनी ब्रिक साइज़ का, डेफिनेटली वी हैव हैड पीपल कमिंग टू अस के हम आपके लिए स्पेसिफिकली किसी कलर में ब्रिक बना देते हैं. क्योंकि अब मसला ये हो गया कि इस रीजन की ब्रिक जो पंजाब वाला एरिया, वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस न्यू सोसाइटी तरफ कम अप, बहुत अच्छी ब्रिक किल्न्स ख़त्म हो गई, जो बहुत ही हमारे लिए एक तकलीफ दे था. तो अब ज़्यादातर ब्रिक जो हम इस वक्त ले रहे हैं, जो हमें अच्छी मिल रही है, वो फ्रॉम पेशावर वाली साइड, केपी के साइड से हमें मिलती है, जो थोड़ी सी रेडिश ब्राउन होती है. तो हम उसमें जो हमें जो हम कहते हैं ना इख्तरा कर सकते हैं, वो उनसे हम ज़रूर करवाते हैं. तो हमने अब वो उसकी इनमें रहते हुए डिटेल्स को फर्दर इम्प्रूव किया है. लेकिन कंक्रीट टाइल्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी किया पिछले कुछ सालों में. हमने एक स्पेशल टाइल्स बनवाई हैं जो फसाड के लिए भी यूज़ होती हैं. उनमें हमने पिगमेंटेड कलर्स की को भी चेंज करने की कोशिश की है. सो द वेरिएशन बिटवीन द ब्रिक इटसेल्फ वर्सेस द कंक्रीट टाइल, जिसकी थिकनेसेस जो हैं वो 1.5 इंच से 2 इंच पे शुरू होती हैं, उनका साइज़ 8 इंच से लेके और 2x2 में या 32x16 इंच में भी जाता है, तो उसमें हमने ज़रूर अपना एक डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट कराया. वी हैड कस्टमाइज मटेरियल्स मेड फॉर दैट. ब्रिक में हम कलर्स में ज़रूर जा रहे हैं, बट उसका साइज़ हम इसलिए बदल पा रहे कि वो हमारे कहते हैं ना हर इंच जो है वो हमारा डिसाइडेड है, तो हम उसको बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, बट आई डोंट थिंक हम उसको उससे ज़्यादा हम बाहर जा सकते हैं. घर का जो एंड होता है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो घर की एक लिमिट क्या है, कहाँ पर आपका घर एक्चुअली ख़त्म हो रहा है. सो ये जो पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ मैं उस वक्त खड़ा हुआ, जहाँ पे आपको एक ब्रिक जाली पीछे नज़र आ रही है, ये वो एंड पॉइंट था वेयर आई कुड एक्चुअली एंटर द हाउस एंड सी टिल द एंड, विच वॉज द पॉइंट वेयर द हाउस एक्चुअली एंडेड. तो मेरे लिए स्पेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए थी, बिकॉज दैट इज़ वन द रीजन वाई द झूला, वाई द एंड पॉइंट वॉज डिसाइडेड कि यहाँ पर होगा, वेयर कि आपके दाखिल से होने से लेके एंड तक आप इसको परसीव करते हैं, इसको आप देखते हैं, इसको आप एक्सपीरियंस करते हैं. सो बिकॉज़ ये घर पूरा डिज़ाइंड ही अराउंड मल्टीपल कोर्टयार्ड्स है, तो मेरे हिसाब से ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि बहुत दफ़ा आप जब लकीली आई वुड थिंक 80-90% हमारे दोस्त बन जाते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ हम आके मोस्टली जब कभी लंच पे आ जाएँ, गप लग रही होती है, हम यहाँ बैठे हुए होते हैं, बच्चे स्विम कर रहे होते हैं, इट इज़ दैट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्पेस ऑफ द हाउस विच इज फ्रॉम डे वन व्हेन आई स्टार्टेड टू डिज़ाइन इट. When I tried to sketch it, is when I started to enjoy this space. और वो ये था कि चलो ये इससे भी ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि पूल बहुत यूज़ होगा, और वो ये ऑल ईयर राउंड इट्स अ हीटेड पूल, इट विल बी यूज एज इट इज़. तो इसका बरामदा, इसका ये स्पेस, झूले वाली जगह, इसका किचन स्पेस जो इस पूल में देखती है, ये वो तीन जगहें जो हम काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इवन क्लाइंट्स खुद कहते हैं कि हमारे लिए ये स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बींग द लार्जेस्ट कोर्ट यार्ड ऑफ द 3 segmented कोर्ट यार्ड्स, आई फील दैट we were able to as a team sort of look at the house in totality, ke isme wo sare elements ho jo ek pakistani ghar ki ikasi karte hain, ya humne jo choti somar dekhte aa rahe hain ke sahan ke baad ek acha sa ek open space jahan puri family ikatthi hoti hai. So I would think this is the modern intervention, as in the modern idea, this is what that place is for us, jahan pe hum sab ikatthe hote hain, hanste hain, khelte hain, aur fir apne apne gharon ko chale jate hain. So I think this for me is the perfect space of the house. The total number of the people in the house of 4,
बेटा छोटी एक बेटी इनकी और ये ख़ुद। अब आइडिया ये था कि बेटी और इनके घरों के कमरों के दरमियान एक किसी किस्म का कनेक्शन होना चाहिए। द रीज़न ऑफ दिस पर्टिकुलर बे विच आई रियली कैंटिलीवर्ड 8 feet वो ये था कि बेटी और पेरेंट्स के दरमियान एक कनेक्शन रहे, क्योंकि बेटा इनका चला गया पढ़ने। सो नाउ द एक्चुअल हाउस दैट इज़ बीन यूज्ड वाज़ द इज़ द मेन मास्टर बेडरूम्स एट द बैक एंड देन दे हैव द कनेक्शन बिटवीन दिस कोर्टयार्ड एंड देयर हाउस। तो जब कमरों को भी डिसाइड किया तो मैंने इसको ये ज़रूर फोकस किया कि देखें कमरों को बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन कमरों के अंदर अपने अपने पर्सनल अल्कोव्स होने चाहिए। तो अगर आप इन कमरों को देखें तो ईच रूम द मास्टर स्वीट द सन्स बेडरूम एंड द डॉटर्स बेडरूम दे ऑल हैव देयर पर्सनल अल्कोव्स बिसाइड्स देयर स्लीपिंग एरियाज वेयर दे वुड सिट एंड हैव कॉफ़ी, दे वुड सिट एंड हैव देयर फ्रेंड्स ओवर, बट अ पर्सनल स्पेस। इन टीनाज केस द मास्टर बेडरूम शी मेड इट इनटू एन अल्कोव वेयर शी ऑल्सो प्रेज एंड देन शी सिट्स एंड एंजॉयज हर कॉफ़ी। तो आइडिया सिर्फ ये था कि हर कमरा इतना बड़ा ना हो, हर बाथरूम इतना बड़ा ना हो, हर कमरा हर स्पेस इतनी कंफर्टेबल हो कि उसमें फर्नीचर लगाते हुए ये घबराहट ना हो कि यार मैं यहाँ बैठूँ तो अगला बंदा कहाँ बैठा हुआ है। बिकॉज आपके पास क्योंकि एक्चुअली जो कोर्टयार्ड थे वो भी घर का हिस्सा ही थे, बिकॉज देर इंट्रोवर्टेड कोर्टयार्ड। देयरफॉर आई मेड शो फ्रॉम डे वन कि हर कमरा की एक साइज़ एक रीजनेबल साइज़ हो और बहुत बड़े ना हो। Banjaiga has changed the face of architectural exhibiting projects. I think ये जो एक idea था by some really competent architects of the country, Saifullah Siddiqui, Ali Rahman, and then Mustafa Naeem joined him. और Rafay जो हमारी इन सब चीज़ों को capture करता है, the right way capture करता है, I think ये बहुत important था। I think ये बहुत लोगों को पहले कर लेना चाहिए था, हम बहुत दफ़ा इस पर बात करते हैं। So I think Banjaiga has become a trendsetter. It's become a brand, and I think it is very important that architects of all age groups should be able to showcase their work for the international market, for the people around the world to see ke Pakistan mein kitna mazedar kaam ho raha hai, aur Pakistani architecture jo hamare badon ne banaya usko hum the next generation or the usse next generation kaise leke aage badhegi. So I must thank the team of Banjaiga for being able to bring up this idea or जिसको हम कहते हैं द रियल पाकिस्तान दिखाया है। सो आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट एंड आई होप दिस गोज़ वे 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 ऑल।